हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी कॉल किया, मेरे एक दोस्त रायपुर से आया है, ठीक है। तो रायपुर से कल ही आया है, अब मेरे को अभी जस्ट पता चला है, और ये पता चला है कि वो आज रायपुर फिर वापस ही चला जाएगा। इसलिए मैं जल्दी से तैयार होऊंगा और उससे मिलूंगा और देखता हूं क्या होता है, और कहीं जाएंगे देखता हूं। कुछ 2 या 3 घंटा ही बचा है हम लोग के पास, तो मैं उससे 2 या 3 घंटे के अंदर ही मिलूंगा, कहीं ले जाऊंगा उसको या वो मेरे को ले जाएगा। तो फिर मिलते हैं अभी मेरे दोस्त के पास मिलके। और मनु भी यहाँ पे है, मनु जाऊँ मेरे दोस्त से मिल पाऊंगा ना मैं? अच्छा, मैं मिल पाऊंगा तो कोल्ड ड्रिंक लाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यूँ ही बनाए रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और मैं जल्दी से जाता हूँ मेरे दोस्त के पास। उसको कॉल नहीं किया हूँ कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको सबसे पहले सरप्राइज दूंगा कि मैं आ गया हूँ, मिलूंगा। इतना हालांकि बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मिलके। तो हम कहीं जाने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे, मिलते हैं, जाके दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं फिलहाल अंबिकापुर में आ गया हूँ, मेरे दोस्त वहीं पे है। और जिस दोस्त से मिलने आया हूँ वो बोला कि अंबिकापुर में हूँ, तो उसको मैं कॉल किया था, तो कॉल में ही बोला कि अंबिकापुर में हूँ, लेकिन उसको बोला नहीं कि मैं अभी अंबिकापुर आ रहा हूँ। और मैं अपने दोस्त को भी ले आया हूँ अंबिकापुर, क्योंकि आज दोनों मिलेंगे। और एक दोस्त को कॉल किया हूँ, वो भी मिलेगा, कि हम लोग चारों जो है ना बचपन के दोस्त हैं, यार हैं स्कूल के, ठीक है। तो अभी वो अंबिकापुर में है, जो दोस्त रायपुर जाने वाला है, जो दोस्त रायपुर जाने वाला है ना, उसको पता नहीं है कि हम लोग तीनों, अभी तो 2 लोग हैं और एक दोस्त आने वाला है, हम लोग तीनों अंबिकापुर आ गए हैं उससे मिलने के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा कंटिन्यू, और वो मिलेगा, उसके बाद जाएंगे पीछे। पीछे देख ही सकते हैं यहाँ पे कला केंद्र में, अंबिकापुर के कला केंद्र में आपका मीना बाजार लगा है, तो हम लोग तीनों वहीं पे जाएंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे, ठीक है। दोस्तों देख ही सकते हैं, घड़ी चौक है अंबिकापुर का, बहुत ही खूबसूरत। और टाइम कितना हो रहा है देख ही सकते हैं, टाइम भी दिखा रहे हैं। लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग देख के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख ही सकते हैं, बहुत ही बड़ा। पीछे से मैं दिखाता हूँ, मेरा दोस्त भी आ चुका है, जिसका बहुत ही बेसब्री सब्री से इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार वो आ ही चुका है। ये रहा मिलन विश्वास, ये हालांकि वो नहीं है, जिसका इंतजार हम लोग तीनों लोग कर रहे हैं ना, वो अभी तक नहीं आया, पता है, उसी का इंतजार है, उसके लिए सरप्राइज है और इंतजार कर रहे हैं वो, यहाँ पर उसको आएगा ना तो यहीं ले जाऊँगा अंदर। दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ पे पार्किंग का जगह है, यहाँ पे सभी को अपना बाइक वगैरह जब पार्क किए हैं, और सामने से कुछ इस प्रकार से दिखता है गेट, ठीक है। और पीछे झूला लगा है, अभी अंदर जाएंगे तो अंदर जाके और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों अभी अंदर जाएंगे हम लोग, तीनों लोग ही जाएंगे तीनों, फिलहाल अभी अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, आगे से टिकट कटवाऊँगा उसके बाद जाऊँगा। फिलहाल दोस्तों अभी जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए, बहुत ही सस्ता में टिकट कटता है, 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये। मेरा भाई ले रहा है टिकट, तो अभी चलते हैं आगे, देखिए एंट्री। तो दोस्तों फिलहाल मीना बाजार के अंदर एंट्री कर चुके हैं, अब आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या दुकान लगे हैं, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और देखते रहिएगा, मैं पूरा दिखाऊंगा यहाँ पे कौन कौन से दुकान लगे हैं और क्या क्या झूला वगैरह जो जो भी लगा है सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और देखते रहिएगा।
भाई बच्चों का ट्रेन चल चुका है, आप देख ही सकते हैं। बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं अंदर, देख ही सकते हैं। देख ही सकते हैं पीछे कितने शोरगुल कर रहे हैं, फुल एंजॉय। सबसे इंटरेस्टिंग झूला जो है ना यही है। तो भाई चढ़े ऊपर, हमारा तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो, डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत नहीं पता है, खराब हो जाएगा। चढ़े ऊपर चढ़ा, ये तो सिलेंडर कर चुका है और मैं विलन से पूछ के देखता हूँ। मैं चढ़े ऊपर, एक झंड तो मिलना चाहिए चढ़ने के लिए। एक बार दो बार चढ़ा और जब स्पीड में चलता है तो थोड़ा डर लगता है, जोर से बोलो सुना नहीं दे रहा। जब स्पीड में चलता है तो थोड़ा डर लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ मैं हूँ, चल मेरे साथ। डर ही तो इस बात का है। तो फिलहाल क्या कर, चल रहे तो फिलहाल विक्की तो हार मान गया है, लेकिन मैं और मिलन ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। और डर हालांकि मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा लगता है ऊंचाई से, लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए करूँगा। बस ऊपर जाऊँगा, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइट, बहुत ही ज़्यादा हाइट, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर चढ़ूँगा। फिलहाल दोस्तों मिलन और मैं जा रहा हूँ चढ़ने के लिए, अभी पहले टिकट कटवा लेता हूँ। दो टिकट कर दीजिएगा, ठीक है? कैश 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 होगा या ऑनलाइन? फोन पे वगैरह नहीं हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन पे कर दिया है दो टिकट के लिए, अब चढ़ेंगे ऊपर। तो भाई अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, दो लो दो लो दो टिकट इधर से। इस लाइन पे इंतज़ार करना पड़ेगा, इन लोग खाली होगा ना, उसके बाद हम लोग को एंट्री मिलेगा। भाई आगे हैं दोस्तों, धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं ऊपर। धड़कन तेज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है, धड़कन तेज़ होता हुआ मेरा भी ज़्यादा। ऊंचाई से तो मेरे को डर लगता है और इसको भी डर लगता है, दोनों को डर लगता है, लेकिन आपके लिए कुछ भी, सिर्फ आप लोग के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए, देखते रहिए ब्लॉग। ठीक है, ऊपर जाऊँगा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, धक धक कर रहा है। दोस्तों जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ ना, और भी ज़्यादा धड़कन ना तेज होते जा रहा है, और इसका तो हालत ख़राब हो गया, बोल नहीं पा रहा, पता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा हूँ और हालत ख़राब हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, ये झूला आखिरी ना हो, मिलन कर रहा है, पता नहीं आखिरी ऐसा मत बोलो। क्या हाल है अपने दिल का बताओ? अरे फिलहाल ना बैंड बज चुका है, पता है, अंदर से अंदर से चेहरे पे हंसी दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है वो मैं नहीं बता, हम ही जानते हैं। दोस्तों हालत ख़राब हो चुका है, देख मोबाइल ना पड़ेगा, और हम लोग गिरने से पहले ना मोबाइल ही गिरता है। मिलन का तो बैंड बज चुका है, और मेरा बैंड ऊपर जाने से, ऊपर जाने के बाद ना मेरा भी बैंड बजने वाला है। नीचे से ही ना धड़कन ना तेज हो चुका है, पता है, और अभी ऊपर जब चढ़ूंगा ना तो क्या हाल होगा पता नहीं। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे और देखते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। दोस्तों हो क्या है, मेरा तो बैंड बज चुका है, और मिलन ही बता सकता है। फिर से चढ़ेंगे, मेरा ना एकदम हालत ख़राब हो चुका है, पता है, मेरे को ऊंचाई से ऐसे डर लगता है, देख ही सकते हैं बहुत ऊंचाई है, और ऊपर से राउंडिंग राउंडिंग बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना डर लग रहा है, पता है। फिलहाल ख़त्म हो चुका है, अब नीचे उतरेंगे। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ बैंड बजना किसको कहते हैं, हो चुका है मिलन, हाउ इज द जोश। अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जियारा धक धक करने लगा, बैंड बजना किसको कहते हैं, आप इसमें देखिए, इसमें चढ़ के एक बार देखिए।
फिलहाल दोस्तों लगभग 2 से 3 घंटा तक यहाँ पे मीना बाजार में बहुत ही सारे इन्जॉय किए दोस्त लोग मिलके, और अभी जा रहे हैं बाहर, बाहर जाके कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, और खाना खाने के बाद कुछ भी मिल जाए नाश्ता करेंगे आज खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का मीना बाजार बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत दिन बाद टाइम मिला और आए यहाँ पर घूमने के लिए और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया दोस्तों। जितना घूमना था घूम चुके हैं और थकान बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो भाई थक चुका है, आप देख ही सकते हैं चेहरे पे साफ झलक रहा है कि थक चुका है, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जब ऊपर चढ़ा रहा तब से तो मेरा अभी तक धक धक कर ही रहा है। और हमारे आर एम सर से कुछ पूछ लेता हूँ। सर जी, आपको आज कैसा लगा मीना बाजार? बहुत मज़ा आया, खासकर उस झूले में बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। आप महीने भर काम करो लेकिन अपने लिए एक दिन दो दिन निकालो, ये सही बात, फिरो मज़ा करो, काम के साथ साथ एंजॉय होना ज़रूरी है। दोस्तों अभी रात का लगभग 10:30 बज चुका है, और जो मेरा दोस्त आने वाला था वो इतना क्या ही बताऊँ कि नहीं बोल सकता कि वो ना कॉल ही नहीं उठाया बाद में, ठीक है। और भूख लग चुका है तो अभी आ गए हैं कलकत्ता बिरयानी गांधीनगर में, वहाँ पे कुछ खाऊंगा, बिरयानी खा लेता हूँ, और मेरे दोस्त लोग तो अंदर जा चुके हैं, वहाँ पे खाऊंगा, भूख लगा बहुत ही जोर से, भूख लगा खा लेता हूँ। दोस्तों जिस दोस्त से मिलाने वाला था ना वो कॉल ही नहीं उठा रहे, मैंने बोला उसको सरप्राइज देने के लिए हम लोग अंबिकापुर आ गए, और देखिए किलो लोग 10:30 बज चुका है और अभी कॉल कर रहा हूँ खाने, तो वीडियो देखेगा ना तो पता चलेगा। फिलहाल वो दोस्त कॉल उठा लिया है, अब विक्की उससे बात कर रहे हैं, गजब इंसान है, उसको बोल के आ रहा हूँ आधा घंटा में, वो चला गया रेलवे स्टेशन निकलने वाला है, कैसा इंसान गजब है यार तू। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुका था और हम लोग का बिरयानी आ चुका है, टेस्टी खा के देखते हैं, ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। यहाँ का बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, आप लोगों को पता ही होगा अंबिकापुर में जो भी लोग रहते हैं डेली बहुत कुछ खाते हैं, मैं भी खाता था पहले लेकिन आप बहुत भी, तो इसका ग्रेवी चटनी यही बताऊँ, इसका तो टेस्ट बदला ही नहीं है, मैं 6 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे। और मेरे दोस्त लोग तो तैयार खाना स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारे आर एम सर बताएंगे टेस्ट कैसा है। दोस्तों बहुत देर तक इंतज़ार किया उस दोस्त का लेकिन वो आ नहीं पाया, वो अभी कॉल किया बोला कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, आ नहीं सकता, सॉरी रहेगा, तो चलेगा अभी आइसक्रीम खा के हम लोग घर जाएंगे फाइनली, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे उसको। और भाई तू वीडियो देखेगा ना, तेरे लिए वीडियो आज था। तो भाई अभी रात का लगभग 12 बज चुका है लेकिन भाई अभी तक दुकान खोल के रखे हैं, तो इसको शेक बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और हम तीन लोग खाएंगे। दुबई का शेक नहीं, शेक हसीना तुम लोग ही टेस्ट करके बता दें, मैं तो अरे एक नंबर पर है भाई, मिलन तो बिजी है बता नहीं जवाब। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बहुत ही रात हो चुका है अब घर जाऊँगा, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा।